चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस का चैप्टर रेपिटेशन, ठीक है। इसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी हाफ ईयरली के साथ कर लिया था। इसमें क्या क्या पढ़े थे इसमें शॉर्ट में मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रोटेशन वाले पार्ट में, ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट। तो अभी तक जो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने देखा था वो क्या था कि कोई भी दो बॉडी है जिसका मास है, लेट्स से एक बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, तो दैट टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उन दोनों के बीच में, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता। कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल नहीं करता। हाँ, अगर वो दो मैग्नेट है और दोनों के पोल्स एक साथ है तो वो रिपेल करेंगे। अगर वो दो चार्जेस हैं और वो दोनों लाइक चार्जेस हैं तो वो भी रिपेल करेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बट अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of the masses of those two objects and inversely proportional to square of the distance between them. ये हमारा Newton's law of gravitation होता था, ठीक है। universe, और इसका एक और नाम था universal law of gravitation। तो पूरा नाम बोलूं तो क्या है, Newton's का universal law of gravitation। जहां पे m1 m2 हो गया उन दोनों बॉडीज का मास जिसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और r हो गया उन दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। r से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या, अगर ये दो बॉडी एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर ये दो बॉडीज एक दूसरे के पास आएंगे तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, बट मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। तो दिस वॉज ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे जी का मतलब था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी 6.67 × 10⁻¹¹ 11। और उसका यूनिट निकालना चाहो तो यूनिट निकाल सकते हो कैपिटल जी का, कैपिटल जी यहां रखो बाकी सबको एक साइड भेज दो, तो जी क्या हो जाएगा एफ r square upon m1 m2। तो f का मतलब हो गया न्यूटन, r का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, और दोनों मास है केजी, केजी का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो केजी का पर स्क्वायर, पर केजी स्क्वायर, समझ रहे। यूनिट g का वहीं से निकाला हूं, f का यूनिट तो न्यूटन होता है ना, f क्या है फोर्स न्यूटन, ये दोनों मासेस हैं तो इनका यूनिट केजी केजी होगा, तो दो ने तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, और ये डिस्टेंस है तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है ना दोनों में, ठीक है। ये भी दोनों मासेस है, इससे केजी स्क्वायर, ये दोनों डिस्टेंस है इससे मीटर स्क्वायर, तो यूनिट समझ में आ गया जी का। तो इसकी वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट होती है थ्रू आउट द यूनिवर्स, इसलिए इसके नाम में भी यूनिवर्सल लगा हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स हमेशा सेम रहती है। So this is gravitational, Newton's law of gravitation. So हर दो बॉडी के बीच में होगा, आपने और मुझ में भी है, ठीक है, मुझ में और ये बॉटल में भी है, मुझ में और अर्थ में भी है, बट इन तीनों में मैं कॉमन था ना, मुझ में और शॉल में होगा, मुझ में और बॉटल में होगा, और मुझ में और अर्थ में भी होगा, बट इन तीनों में मैं कॉमन हूं और सबसे मासिव कौन है अर्थ, इसलिए मैं बॉटल से जाके अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, या मैं जाके शोरे से अट्रैक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं अपना कहां से अट्रैक्टेड हूँ अर्थ से, ये अर्थ का मास ज्यादा है, तीनों तरफ ग्रेविटेशन फोर्स है, मेरे और शोरे के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, मेरे और बॉटल के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, और मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, बट वो सबसे ज्यादा फोर्स तीनों में कौन सा है अर्थ के साथ, इसलिए मैं अर्थ से अट्रैक्टेड हूँ और इससे अट्रैक्टेड नहीं हूँ, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स है ना बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए दो लोग जो आपस में आजू बाजू बैठे ये दोनों भी एक दूसरे से नहीं टकरा पा रहे, अट्रैक्शन है बट उनका अट्रैक्शन अर्थ से ज्यादा होगा इसलिए वो दोनों एक दूसरे से नहीं टकरा पा रहे, ठीक है। तो ये होता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है।
जब ये हमने और अर्थ के बीच में होना, तब अपन उसको ग्रेविटी कहते हैं। अर्थ भी जो कि प्योर स्फीयर नहीं होता है ना, ऊपर से फ्लैट होता है और साइड से थोड़ा निकला हुआ रहता है, ऊपर से फ्लैट है साइड से निकला हुआ है, राइट। तो मतलब इसका भी दो रेडियस होता है, एक होता है इक्वेटर और एक होता है पोल। तो इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ पोल और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ इक्वेटर। अर्थ अपने सेंटर से अट्रैक्ट करता है हर बॉडी को, ठीक है, उसी को ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं अर्थ का। मान लीजिए ये अर्थ है ना, और यहाँ एक आदमी है, तो इस आदमी को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी सेंटर, सेंटर टू सेंटर फोर्स होता है ये। अगर ये दो मास है M1 एंड M2, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे टू देयर सेंटर्स। सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर से आता है, सरफेस से नहीं आता। अर्थ का ये हिस्सा हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अर्थ का ये हिस्सा हमें अट्रैक्ट कर रहा है। मैं क्लियर? अगर नीचे ग्राउंड नहीं होता ना, मैं सीधा अर्थ के सेंटर में चला जाता। बात आई समझ में? ठीक है। तो जब एक बॉडी, एक बॉडी जब फॉल होती है ना, एक बॉडी जब फॉल होती है तो उसके ऊपर, मान लो ये बॉडी है, इसका वेट नीचे लग रहा है ना, और वेट होता है आपका M into G, यही आप यू कह लो। अपन फोर्स पढ़ चुके हैं, फोर्स क्या होता है? M into A होता है। क्या होता है फोर्स? M into A। ये उस बॉडी का फोर्स है जो नीचे गिर रही है। और एक फोर्स अभी अपन अभी पढ़े, F=M1M2/R² और G। जब ये पेन ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक्चुअली एक्चुअली वो फोर्स एक ही है, पर अभी दो फोर्स अपन पढ़ते हैं। एक खुद इसका वेट तो उसको नीचे गिरा रहा है, दैट इज M into A। तो अपन सेकेंड लॉ में पढ़ते थे, Force is equals to M into A। अब दूसरा फोर्स इसमें कौन सा लग रहा है? अर्थ इसको खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां पे एक मास होगा इस पेन का, दूसरा मास होगा अर्थ का, और डिस्टेंस होगा अर्थ और इस पेन के बीच का, जो कि रेडियस है अर्थ का। क्या सिचुएशन है देखना? ये रहा अर्थ, ये रहा ये बॉडी जो यहां से गिर रहा है। इसमें एक फोर्स लग रहा है F=MA, और एक्चुअली ये फोर्स वही फोर्स है जिससे अर्थ इसको इसके सेंटर की तरफ खींच रहा है। F=, मान लो इस बॉडी का मास M है और अर्थ का मास कैपिटल M है, तो G m m अपॉन, मान लेते कि ये रेडियस आपका R है और ये डिस्टेंस स्मॉल R है ग्राउंड से, और मान लो बॉडी यहीं से गिर रही है, तो ये तो पिकोमीटर हुआ, पर अर्थ का रेडियस तो हजारों मीटर में होता है। अर्थ का रेडियस अपन क्या पढ़े थे? 6 × 10⁻⁶ किलोमीटर, ऐसा कुछ समझ आ रही है क्या? लिखा हो के पर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही है। इसका मास हो गया है, हाँ 6.4 है, मैं 6 लिखा हूँ ना, 6.4 × 10⁶ मीटर, इतना बड़ा उसका अर्थ है। हम ये अर्थ का रेडियस है, इसके सामने 1 मीटर तो कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना? इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो नीचे क्या आता है? रेडियस ऑफ अर्थ। इस ऑब्जेक्ट से सेंटर का डिस्टेंस कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ, समझ गया? अब आप ये दोनों फोर्स एक्चुअली सेम है, ये इसलिए नीचे गिर रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ इसको पुल कर रही है। ये पेन नीचे क्यों गिर रहा है? क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ इस पेन को पुल कर रही है विद दिस फोर्स। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, MA = GMM/R² देख रहा है? ये M कैंसल, तो A क्या आया? GM/R² दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच दिस बॉडी इज फॉलिंग। मैंने इसको बस छोड़ा है ना, मैंने देखा थोड़ी ना, देखूंगा तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं तो इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, पर जब बॉडी गिर रही है खुद अपने आप, फ्री फॉल, क्या बोलते हैं इसको? फ्री फॉल। तब इसमें क्या लगता है? एक्सेलरेशन लग रहा है, बट किसके कारण लग रहा है? ग्रेविटी के कारण। इसका नाम होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज GM/R². अब आप यहां पे वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? क्योंकि बॉडी का मास तो कैंसिल हो गया, 6.4
पॉइंट फोर, अरे वो रेडियस है भाई, सिक्स इंटू टेन टू दी पावर 24 है क्या? देखो सिक्स इंटू टेन टू दी पावर 24 केजी आपके अर्थ का मास है, और नीचे 6.4 इंटू टेन टू दी पावर 6 मीटर उसका रेडियस स्क्वायर कर देंगे। अब जब उसको सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ग्रेविटी। इसको अपन अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं कई बार फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है ना, ईज ऑफ दिस। तो ये आपका ग्रेविटी होगी। एक बॉडी छोड़ने पे अगर अपने आप गिर रही है उसका कारण है कि सेंटर ऑफ द अर्थ उसको एक एक्सेलरेशन से पुल कर रहा है। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये सब ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पेन में भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा होगा, और अगर मैं भी एक हाइट से गिरूंगा तो मुझ में भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ही लगेगा। या देखो ना, ये एक्सेलरेशन तो बॉडी के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कहीं आपको बॉडी का मास दिख रहा है क्या, पेन का मास है क्या? नहीं है, वो तो कैंसिल हो गया ऊपर। तो हर के लिए एक्सेलरेशन ये भी होता है, वो बॉडी कितनी भी मास की क्यों ना हो उसमें एक्सेलरेशन यही लगता है। समझ गया ना, ठीक है? बट फिर ऐसा क्यों होता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट को अपन एक हाइट से फेंके तो हल्का वाला धीरे गिरता है या लेट आता है नीचे, बट भारी वाला जल्दी आ जाता है, क्योंकि वहां पे एक और फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एज एयर ड्रैग। तो क्या बोलते हैं अपन, एयर ड्रैग। अगर मैं फेदर को ऊपर से फेंकू और उतनी हाइट से एक बॉल को फेंकू तो फेदर में एयर ड्रैग बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसका मास कम है, तो उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन ज्यादा होगा। एयर का भी फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड का भी फ्रिक्शन होता है, वाटर का भी फ्रिक्शन होता है ना, और सरफेस में तो हमको फ्रिक्शन मिलता ही है, पर एयर का भी फ्रिक्शन है और वाटर या फ्लूइड का भी फ्रिक्शन होता है। तो फेदर जब गिर रहा है ना तो उसको एयर ज्यादा फ्रिक्शन से रोक रहा है और बॉल को नहीं रोक पा रहा है, बिकॉज बॉल का मास थोड़ा ज्यादा है इन विद रिस्पेक्ट टू फेदर। तो इसलिए बॉल पहले गिर जाती है और फेदर धीरे धीरे ऐसे हिलते हिलते नीचे आता है। पर वही अगर आप एक रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दो और अब सेम हाइट से फेदर और बॉल को छोड़ो, वैक्यूम आ गया ना, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, वहां पे एयर है ही नहीं, तो नो एयर ड्रैग। अब दोनों सेम हाइट से गिर जाएंगे, सेम टाइम पे गिर जाएंगे, क्योंकि अब वहां पे एयर ड्रैग ही नहीं है। पर अगर मैं नॉर्मल यहीं पे छोड़ूंगा एक फेदर को और पेन को, तो पेन पहले नीचे आएगा, फेदर लेट से आएगा नीचे। समझ रहे हैं, क्लियर है? पर इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी दोनों में अलग अलग बनी है। ग्रेविटी दोनों में अभी भी 9.8 फेदर में ही लग रही है, 9.8 इस पेन में भी लग रही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फेदर्स लेस मास इट इज एक्सपीरियंसिंग मोर एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन समझ रहे हैं, तो ये तो बात हो गई ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। इसी चैप्टर में हमने एक चीज और पढ़ी थी कि फ्री फॉल में जो तीनों इक्वेशंस हमारे थे, क्या क्या इक्वेशंस थे, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये चेंज होके हो गया था v इज इक्वल्स टू u प्लस g। अब a की जगह g आ गया है, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 या 10। सेकंड इक्वेशन होता था हमारा s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, पर यहां पे अब चीजें अपन हाइट की बात कर रहे हैं तो एस की जगह एच हो गया था हाइट, यू की जगह यू ही रहेगा, टी भी वही से रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस होता था, अब वो चेंज होके हो गया था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। जहां जहां एस था जब तक अपन नीचे ट्रेवल कर रहे थे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था, पर अब जहां बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो अब हाइट आ जाएगी, तो एस की जगह एच आ गया। पर जब तक हम नीचे ट्रैवल कर रहे थे तो हमारा एक्सेलरेशन ए था, अब हम नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ट्रैवल करेंगे तो हमारा एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण होगा, दैट इज जी। तो इसलिए ए की जगह जी आ गया और एस की जगह एच आ गया, क्लियर? फिर हमने दो टाइप के फॉल देखे थे, मतलब एक तो अपवर्ड मूवमेंट होता है, एक डाउनवर्ड। फ्री फॉल, अगर ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे छोड़ रहे हो तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, जीरो, यू अपन जीरो डालते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो
तो नीचे से ऊपर फेंकने के लिए एक इनिशियल वेलोसिटी तो देना पड़ेगा ना, तब तो ऊपर जाएगी। तो नीचे से ऊपर वाले केस के लिए वी जीरो होता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद वो ऑब्जेक्ट घूमेगा फॉर अ माइन्यूट टाइम और फिर नीचे आएगा। तो जब अपवर्ड मूवमेंट की बात करूंगा मैं, तो अपवर्ड मूवमेंट में यू कुछ ना कुछ होगा, बट ऊपर जाने के बाद वी जीरो हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो और ऊपर से नीचे वाले मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी। अगर आप इनको यहाँ पुट करोगे तो तीनों इक्वेशंस फिर से चेंज हो जाएंगे। यू जीरो पुट कर दो यहाँ पे तो वी कैसे निकलेगा, जी टी। यू जीरो पुट कर दो तो एच कैसे निकलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। समझ रहे हैं? मतलब अगर मैंने ऊपर से नीचे फेंका, छोड़ा, सॉरी फेंका नहीं, क्या किया, छोड़ा, तो कितना टाइम लगेगा और कितना वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगा हम निकाल सकते इन दोनों इक्वेशन। सरते मुझे हाइट बताओ, नीचे कुछ तो नोन होना चाहिए ना कि मैं इतने हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूं। अब बताओ कि गिरने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कितने देर में वो नीचे आएगा, आप दोनों निकालो। बस आपको ये बताना पड़ेगा कि कितने हाइट से आपने उसको फेंका है, छोड़ा, एक डेटा तो पता होना चाहिए ना, तब तो आप ये बाकी दोनों निकाल पाओगे। एच पता रहेगा तो यहां से टाइम निकल जाएगा, और यहां टाइम पुट कर दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। समझ गए? ऐसे ही यहाँ पे भी आप दो चीजें निकाल सकते हो। आपको u गिवन रहेगा कि आपने इतनी वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका। अब आपसे दो चीज पूछेगा, पहला कितनी हाइट तक जाएगा और कितनी देर में जाएगा। जैसे यहां पे पूछा ना कितनी हाइट से फेंका, ये बता देगा तो कितने देर में नीचे आएगा और कितनी स्पीड में नीचे आएगा। यहाँ पे स्पीड दे देगा शुरू में कि इतनी स्पीड से आपने फेंका है। अब दो क्वेश्चन पूछेगा, कितनी हाइट तक जाएगा और कितनी देर में जाएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल हमने किए, ठीक है, इसी से बनेंगे इक्वेशंस, क्लियर है? इसके अलावा हमने एक पार्ट और देखा था उस चैप्टर में, दैट वाज मास एंड वेट। अच्छा, अपन ये भी देखे थे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस होता है। स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट अपन ने क्या निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट है। कैपिटल जी की वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट, आप कहीं पे भी चले जाओ कैपिटल जी का वैल्यू हमेशा 6.67 × 10⁻¹⁻ ही रहेगा, बट स्मॉल जी का वैल्यू प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होगा, क्योंकि प्लैनेट टू प्लैनेट मास चेंज हो रहा है ना। हमने स्मॉल जी कैसे निकाला था, यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट पुट किया था और यहाँ पे रेडियस ऑफ द प्लैनेट पुट किया था। अगर आप मून की बात करोगे तो मून साइज में थोड़ा छोटा है अर्थ से, तो सिर्फ का रेडियस छोटा हो जाएगा, मास में भी अर्थ से छोटा है तो उसका भी मास भी कम हो जाएगा, तो ग्रेविटी भी वहां पे कम आएगी। तो स्मॉल जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है, बट कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी। ये एक डिफरेंस होता है। अर्थ सरफेस में इसकी वैल्यू 9.8 और 10 होती है, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁻ होती है हर जगह पे। एक डिफरेंस यूनिट का आ जाएगा। एक और डिफरेंस में अपन ये स्मॉल जी का वैल्यू ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, अर्थ ऊपर से फ्लैट है, साइड से बल्जिंग आउट है, मतलब उसका पोलार रेडियस छोटा है और इक्वेटर वाला रेडियस बड़ा है। आरपी इज लेस देन आरई, तो अगर मैं जी का वैल्यू निकालू, आर यहां पे पोल पे ग्रेविटी निकालता हूं और इक्वेटर पे ग्रेविटी निकालता हूं, तो क्या होगा, देखो जी क्या अपना फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। मास तो अर्थ का ही है तो मास तो दोनों के लिए सेम होगा, बट रेडियस तो अलग अलग है ना, पोल का रेडियस कम है, इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है, तो जहां रेडियस कम, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेडियस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी कम होगी, रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी ज्यादा। उस हिसाब से रेडियस किसका ज्यादा है, इक्वेटर का होगा, तो ग्रेविटी वहां की कम होगी, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर इज लेस देन द ग्रेविटी एट होम। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि स्मॉल जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो तो आपको ग्रेविटी कम फील होगी, और अगर आप पोल पे खड़े हो तो आपको ग्रेविटी ज्यादा फील होगी। क्लियर? चलो
आते हैं मास और वेट में। मास और वेट में क्या फर्क होता है? मास एक्चुअल कंटेंट होता है बॉडी का, एक्चुअल कंटेंट मैटर का, कितना उसमें कंटेंट है वो आपका मास होता है, जिसका यूनिट अपन ग्राम या केजी बोलते हैं, ठीक है। और जो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मैटर अगर है तो कुछ ना कुछ एटम तो होगा, और एड करोगे तो मास तो आएगा ना, तो मास कभी भी किसी बॉडी का जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो है मतलब वो बॉडी है ही नहीं। अगर मैं बोल दूं कि इस पेन का मास जीरो है, मतलब ये पेन है ही नहीं, फिर वो ऐसा दिखा रहा हूँ कि ये पेन का मास जीरो है, हाँ है, ये तो पेन नहीं, तो जीरो ही होगा, समझ रहे। पर अगर ऐसा दिखाते हुए कभी नहीं बोल सकता कि इसका मास जीरो है, नहीं, ये बॉडी है, ये मैटर है, तो मैटर का तो मास होगा ना। मैटर का डेफिनेशन ही पढ़ते अपन, इट इज द थिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हाफ मास, मतलब कोई मैटर है मतलब मास है, इससे मास किसी मैटर का नहीं हो सकता। तो मास क्या होता है? इट इज द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द बॉडी। जैसे ये अभी पेन है ना, तो इस पेन का कुछ ना कुछ मास होगा, ये 20 ग्राम का होगा, द कंटेंट 20 ग्राम होगा, ठीक है। पर जब इस पेन को मैं यहां रख दू, एक टेबल पे रख दू, तो ये पेन इस टेबल पे एक फोर्स लगाना होगा नीचे की तरफ। जैसे मैं अपना मास निकालू तो वो केजी में होगा, ग्राम में होगा। तो मेरा वेट का मतलब क्या है कि मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ ग्राउंड के ऊपर। मान लो मैं खड़ा हूँ ग्राउंड के ऊपर, नीचे रेत है और सौर भी खड़ा है ग्राउंड के ऊपर, उसमें भी रेत है। अब क्योंकि मेरा मास ज्यादा है, इसलिए मेरे कारण फोर्स भी ज्यादा लगेगा नीचे, तो मेरे तरफ की जो रेत है वो ज्यादा ढक जाएगी, और सौर की तरफ की रेत थोड़ी सी कम ढक जाएगी, इसका मास कम है। मतलब हमारे ऊपर एक ग्रेविटी लग रही है दोनों के ऊपर, बट क्योंकि मेरा मास ज्यादा है तो मेरा जो वेट होगा या मेरा जो फोर्स है नीचे वो ज्यादा होगा। देखो फोर्स में क्या हो रहा है, अपना एम इंटू ए दोनों है ना, फोर्स में दो चीजें इन्वॉल्व है, मास भी इन्वॉल्व है और एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है। अब हम दोनों के ऊपर ग्रेविटी तो सेम लग रही है जी जी, पर हम दोनों का मास तो अलग अलग है ना, तो हम फोर्स भी नीचे अलग अलग अप्लाई करेंगे। मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा क्योंकि मेरा मास ज्यादा, सॉरी कम फोर्स अप्लाई करेगा क्योंकि उसका मास कम है, पर हमारे ऊपर ग्रेविटी दोनों के ऊपर सेम लग रही है। तो वेट एक्चुअली क्या होता है? वेट इज एक्चुअली द फोर्स विच द बॉडी एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड। और क्योंकि एक फोर्स है तो इसके इसका वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। मास का यूनिट ग्राम या केजी होता है, बट वेट का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। समझ गए? वेट जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि कई पॉइंट पे ग्रेविटी जीरो भी हो सकती है। तो वेट का फॉर्मूला एक्चुअली एम इंटू जी होता है। वेट क्या होता है? एम इंटू जी। अब ग्रेविटी कहीं जीरो हुई तो वेट जीरो हो जाएगा। कहां जीरो होती ग्रेविटी? सेंटर ऑफ अर्थ। देखो ग्रेविटी का मतलब क्या? इट इज द फोर्स विच इज पुलिंग यू टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप बाई चांस सेंटर ऑफ अर्थ में पहुंच गए कभी, तो वहां जाके आपका वेट जीरो हो जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं। पर अब यही बोल रहा ना कि ग्रेविटी का मतलब है कि इट इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप पहुंच गए सेंटर ऑफ अर्थ तक, मतलब आपके पास कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब ग्रेविटी जीरो, तो उस जगह पे आपका वेट जीरो हो जाएगा। सेंटर में ही ग्रेविटी, ठीक है, क्लियर है। तो वेट जीरो हो सकता है बट मास कभी जीरो नहीं हो सकता। वेट चेंज होगा क्योंकि जी चेंज होता है जगह से जगह पे। आप इक्वेटर पे होंगे तो आपका वेट दूसरा होगा, आप पोल में होंगे तो आपका वेट दूसरा होगा, आप अर्थ में हो तो आपका वेट दूसरा है, आप मून चले जाओ आपका वेट दूसरा हो जाएगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी अलग है। मून की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है? इफ जी इज द ग्रेविटी ऑन अर्थ, जिसकी वैल्यू अपन निकाले हैं 9.8 और 10, एंड जीएम इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन मून, तो इसमें रिलेशन क्या होता है? It is 1/6 of the gravity on Earth. Gravity on Moon is 1/6 of the gravity on Earth. ठीक है, तो वहां हम थोड़ा light feel करेंगे, समझ रहे हैं? क्योंकि वहां पे gravity कम, हमारा weight वहां पे कम होगा, mass same रहेगा। जितना mass आपका Earth में था, आपका वहां Moon का भी mass same रहेगा, but weight अलग अलग है क्योंकि दोनों planet में gravity अलग अलग है। तो ये वाला पार्ट हमने ग्रेविटेशन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट, दैट इज फ्लोटेशन। तो हेड डाल लेंगे सब, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन
ये ग्रेविटेशन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोग के हाफ एल आ चुका है, ठीक है, मास एंड वेट का। तो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का मतलब तो फ्लोट होना हो गया ना, मतलब लिक्विड और गैस के बारे में बात करने से पहले अपन एक डिस्कस करते हैं एक तरह का फोर्स। फोर्स तो अपन क्या पढ़े हैं सेकंड चैप्टर में ना, फिजिकल सिस्टम में, बट वो एक सिंपल फोर्स था। अगर कोई फोर्स परपेंडिकुलरली किसी ऑब्जेक्ट में लगता है तो उसको अपन थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। थ्रस्ट भी फोर्स ही है, ठीक है, उसका यूनिट भी न्यूटन ही होगा, बट थ्रस्ट क्या होता है, एक डायरेक्शन यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगता है, ठीक है। तो एक हैंड डाला सब एडिंग थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ठीक है। पहले थ्रस्ट का डेफिनेशन लिखते हैं। फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, नॉर्मली मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलरली, समझते ना, नॉर्मली जिनको डाउट हो रहा होता है नॉर्मली के ब्रैकेट में परपेंडिकुलरली लिख लेना या 90 डिग्री लिख, तो याद रहेगा। क्या लिखे हैं? फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट, फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड द थ्रस्ट। दैट इज द फोर्स दैट एक्ट्स, दैट इज द फोर्स दैट एक्ट्स, दैट इज द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज द फोर्स that acts on an object perpendicular to its surface, perpendicular to its surface, that is the force that acts on an object perpendicular to its surface is thrust, is thrust, is thrust. First up, it is measured in Newton, it is measured in Newton. Okay. अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं सैंड में खड़ा हूं तो मेरा सिर्फ दो पैर बस सैंड पे टच हो रहा है, तो उतना एरिया कवर हो रहा है मेरा सैंड में जितना मेरा पैर का एरिया है, उतना ही शेप बनेगा ना मेरा पैर का, दोनों सैंड में दोनों पैर का शेप बन जाएगा और उतने ही एरिया में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, मैं उसी सैंड में लेट गया, अब लेट गया हूं तो मेरा बॉडी का कॉन्टैक्ट ज्यादा हो रहा है ना, मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ गया है, समझ रहे आप लोग क्या बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, बढ़ गया है, राइट। दोनों केस में फोर्स सेम लग रहा है क्योंकि मेरा वेट तो सेम है ना, मैं खड़े रहूं या मैं लेट जाऊं मेरा वेट तो सेम रहेगा ना, क्योंकि वेट चेंज हो जाएगा, सेम रहेगा वेट, बट जो एरिया, जिस एरिया में वो फोर्स लग रहा है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, पहले वो इतने एरिया में लग रहा था अब वो इतने एरिया में लग रहा है, समझ रहे। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया को अपन कहते हैं प्रेशर, सेकंड टर्म लिखे ना अपन। तो अगर आप देखोगे तो जब आप खड़े थे तो वो सैंड ज्यादा धंसेगी और जब आप लेटोगे तो सैंड उतनी ज्यादा नहीं धंसेगी, क्योंकि एरिया बढ़ गया ना, दोनों केस में थ्रस्ट उतना ही लग रहा है, फोर्स उतना ही लग रहा है, पर पहले इतने एरिया में लग रहा था अब इतने एरिया में लग रहा है, तो पहले उतने एरिया में सेम फोर्स था अब उतना ही सेम फोर्स इतने एरिया में लग रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना फोर्स अराउंड दिस एरिया, पहले उतना ही फोर्स इतने एरिया में लग रहा था इसलिए यहाँ की सैंड ज्यादा ढस गई, अब सेम फोर्स इतने एरिया में लग रहा है तो अब उतनी नहीं ढसेगी जितनी पहले ढसी, मतलब प्रेशर पहले ज्यादा लगा अब एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम लग रहा है, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि प्रेशर इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया कम था तो प्रेशर ज्यादा लगा तो सैंड ज्यादा अंदर घुसी, एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा इसलिए अब सैंड थोड़ी कम अंदर जाएगी,
ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखना प्रेशर को डिफाइन करते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला, थ्रस्ट इज नथिंग बट फोर्स ओनली, थ्रस्ट कोई नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, थ्रस्ट इज फोर्स, बस डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है तो उसको थ्रस्ट बोलते हैं, वो भी फोर्स, इसलिए तो उसका भी यूनिट सेम है न्यूटन। ठीक है, देयर इज नो सच फॉर्मूला फॉर थ्रस्ट। नेक्स्ट लाइन में लिखना द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ द सर्फेस, द थ्रस्ट एक्टिंग, द थ्रस्ट एक्टिंग on unit area of the surface, the thrust acting on unit area of the surface is called pressure, is called pressure, is called pressure. Explain it. If a thrust F acts on an area A, capital A, if a thrust F acts on an area A, then pressure P is equals to thrust, yani ki F upon area, फोर्स या थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला होता है आपके प्रेशर का। ठीक है, ये रिलेशन देखिए अपन बता सकते हैं कि अगर सेम फोर्स वो अलग अलग एरियाज में लग रहा है, एक एरिया छोटा है एक एरिया बड़ा है, और सेम फोर्स दोनों में लग रहा है, कम एरिया वाले में प्रेशर ज्यादा लगेगा और ज्यादा एरिया वाले में प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, इसको नोट करके नीचे लिखना, does the same force acting on a smaller area, does the same force acting on a smaller area exerts a larger pressure and a smaller pressure on a larger area? And a smaller pressure on a larger area. समझ में आया है? अभी तो हम पिन का या नेल का पॉइंटेड साइड यूज करते हैं, पिन है ना, और पिन पेपर में डालने के लिए आप पिन को किस साइड से पकड़ोगे, तो किस साइड से डालोगे, जो साइड शार्प होगा ये पिन का ब्लंट साइड है और ये पिन का शार्प एज है, तो आप घुसाओगे कहां से, पेपर में, यहीं से घुसाओगे ना पिन को, ये घुसाई नहीं पिन को पेपर में, तो कहां से घुसाते हैं, पॉइंटेड पॉइंटेड वाले से ना, क्योंकि पॉइंटेड वाले का एरिया कम होता है, पॉइंटेड वाले का एरिया कम है, मान लो यही पिन है, ये पॉइंटेड ही है, तो अपन ऐसे घुसाएंगे ना पेपर में, क्योंकि पॉइंटेड वाले का एरिया कम है, इसका एरिया कम है, ये मोटा है, ये एरिया ज्यादा होगा इसका, तो पॉइंटेड वाले का एरिया कम है इसलिए वो प्रेशर ज्यादा लगाता है पेपर में और पेपर आपका पियर्स होके अंदर चला जाता है, समझ रहे हैं? कभी सब्जी और या फल काटे हो नाइफ से, तो कैसे काटते हैं, वहां पे भी नाइफ के भी दो एज जो होते हैं ना, एक ब्लंट एज जो होता है जो कम धार होगा जिस एरिया में, और एक होता है शार्प एज जिसमें धार ज्यादा होगी, शार्प का एरिया कम होगा इसलिए शार्प एज ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा और इजिली आपके फ्रूट्स कट जाएंगे, इसलिए हम कभी भी फ्रूट्स को काटने के लिए नाइफ का ब्लंट एज को यूज नहीं करते, वी ऑलवेज यूज शार्प एज टू कट द फ्रूट। क्लियर?
एग्जांपल और देते हैं, नेल वाला भी तीन नेल, उसको कैसे फुटते हैं? पॉइंटेड एज को दीवार में लगाएंगे कि मोटे वाले एज को? पॉइंटेड वाले को, ताकि कम एरिया के कारण ज्यादा प्रेशर लगे वॉल के ऊपर, और जब आप उसको हैमरिंग करो तो वो इजिली वॉल के अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इन सब में अपन क्या कर रहे हैं, एरिया को कम रख रहे हैं ताकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई और हमारा काम हो जाए। मैं क्लियर? अब कुछ ऐसी जगह भी होती है जहां पे प्रेशर ज्यादा रखा जाता है, सॉरी एरिया ज्यादा रखा जाता है ताकि प्रेशर कम फील, जैसे कि आप लोग के बैक के स्ट्रैप्स, आप लोग जो बैक टंगा के आते हो ना, उसके स्ट्रैप मोटे मोटे होते हैं, पतले भी तो हो सकते थे ना, कभी सोचे नहीं इस बात को कि पतले पतले धागे जैसे भी तो हो सकते थे ना, स्ट्रैप मतलब ये वाला पार्ट ना, इसको स्ट्रैप बोल रहा था, ये ना बैक का स्ट्रैप मोटा है चौड़ा है, ये पतला, ये ऐसा पतला भी तो हो सकता था ना कि नहीं हो सकता था ना, पर क्या होगा जब ये स्ट्रैप मोटा है चौड़ा है इसका एरिया ज्यादा है, तो जब आप इसको शोल्डर में टांगोगे तो वो ज्यादा एरिया कवर करेगा तो प्रेशर कम लगेगा आपके शोल्डर में, क्लियर? तो यहाँ पे एरिया को बढ़ाया गया है ताकि शोल्डर पे प्रेशर कम लगे, समझ रहे? बिल्डिंग के जो बड़े बड़ी बिल्डिंग होती है उनका जो नीचे पिलर्स होते हैं वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, है ना, पिलर्स होंगे ना बिल्डिंग के, ना इतनी बड़ी बिल्डिंग जैसे खड़ी कैसे रहेगी? फ्लाईओवर देख लो, फ्लाईओवर में क्या नीचे पतले पतले पोल लगाते हैं क्या? इतनी चौड़ी चौड़े लोग सीमेंटेड पोल बनाते हैं ना, तो रीजन क्या है कि ज्यादा एरिया लोगे तो ग्राउंड पे प्रेशर कम लगेगा, वरना वो फ्लाईओवर ढस जाएगा नीचे, आपकी बिल्डिंग ढस जाएगी नीचे, इसलिए उनके बॉटम्स को थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है ताकि एरिया ज्यादा ले तो प्रेशर कम लगे ग्राउंड, प्रेशर क्यों कम लगे क्योंकि उसको फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना इतने एरिया में, आपने स्लैब बड़ा किया तो एक ही पॉइंट पे शोल्डर पे प्रेशर नहीं आए, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपको ज्यादा पेन फील नहीं, समझ रहे हैं? और डैम के भी बॉटम को चौड़ा बनाया जाता है, जो डैम होते हैं ना, जो डैम वो डैम ऐसा कुछ रहते हैं, ये पानी है डैम है, देखो इसका बेस ब्रॉडर, टॉप नैरो है पर बेस जो है डैम का ब्रॉड है, इसका कारण क्या है, नीचे जो पानी है ना उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर इतना पानी भरा होगा, यहां आप जाओ, आप यहां खड़े हो, आप यहां खड़े हो, यहां नीचे कितना प्रेशर होगा आपके ऊपर, इतना ज्यादा पानी है ना आपके ऊपर, तो वो आपके ऊपर प्रेशर डालेगा ना पानी, तो नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पानी, इसलिए डैम का बॉटम पार्ट थोड़ा ज्यादा ब्रॉड बनाया जाता है ताकि इस प्रेशर से डैम टूट ना, इसलिए डैम का बॉटम इज मेड ब्रॉडर देन इट्स टॉप, समझ गए? तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर के, ट्रक के टायर और साइकिल के टायर में फर्क है ना, क्या साइकिल के टायर ट्रक में लगा सकते हैं? नहीं, और ट्रक में एक ट्रक में सिर्फ चार टायर नहीं होते ना, ट्रक में कितने सारे टायर लगे रहते हैं, 10 टायर 15 टायर 20 20 टायर की ट्रक होती है, राइट? तो उसका कारण क्या है कि ट्रक का इतना ज्यादा वेट है कि वो टायर्स को चौड़ा रखना पड़ता है, उसके जो टायर का जो डायमीटर है उसका जो चौड़ाई है वो भी ज्यादा रहता है, उसका कारण है कि वो फोर्स ने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ताकि ग्राउंड में प्रेशर ज्यादा ना हो, समझ में आ गया? बस इमेजिन कि ट्रक साइकिल के टायर्स में खड़ी है नीचे आ जाएगी, उसके वेट के कारण इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा उस टायर के ऊपर कि वो नीचे आ जाएगी, और वही टायर चौड़ा रखोगे तो प्रेशर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है? ओके, चलो यूनिट लिखते हैं नीचे, नेक्स्ट टाइम में लिखना। अच्छा एक लाइन लिख लो, जो अपन लिखे ना इस लाइन के लिए उसके लिए कुछ रीजन लिखते हैं नीचे, दिस इज द रीजन वाई अ नेल हैज अ पॉइंटेड टिप, दिस इज द रीजन वाई अ नेल हैज अ पॉइंटेड टिप, दिस इज द रीजन वाई अ नेल हैज अ पॉइंटेड टिप, कॉमा knives have sharp edges, knives
चाकू. नाइफ्स हैव शार्प एजेस एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशंस. नेल हैज अ पॉइंटेड टिप. नाइफ हैज अ शार्प एज एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन. मुझे जहां मुझे प्रेशर कम चाहिए वहां मैं एरिया बढ़ा दूंगा, जहां मुझे प्रेशर ज्यादा चाहिए वहां मैं एरिया कम. क्लियर है? चलिए यूनिट लिखते हैं. नेक्स्ट टाइम लिखता हूं. ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज प्रेशर का फॉर्मूला से अपन यूनिट निकाल सकते हैं. क्या प्रेशर का फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स का यूनिट एरिया का यूनिट. तो यूनिट क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं पास्कल. डिनोटेड बाय कैपिटल पी स्मॉल ए, पास्कल. ठीक है, लिख लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल. ठीक है, वन पास्कल को डिफाइन करते हैं. वन पास्कल का मतलब क्या होगा? अगर एक न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक मीटर स्क्वायर एरिया पे, द आंसर विल बी वन पास्कल. आया ना? तो एक न्यूटन का फोर्स लगाओगे एक मीटर स्क्वायर एरिया पे तो द फोर्स विल बी वन पास्कल, सॉरी प्रेशर विल बी वन पास्कल. तो वन पास्कल का डेफिनेशन लिखना नीचे. लिख लो नीचे, पुट एफ इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. तो पी कितना आया? 1 पास्कल. अब नीचे डिफाइन करूंगा 1 पास्कल को. तो इतना लिख लो, पुट एफ इज इक्वल टू 1 न्यूटन एंड ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर कितना आया? 1 पास्कल. तो 1 पास्कल को यहां पे डिफाइन करते हैं. नीचे डेफिनेशन लिखना, 1 पास्कल इज डिफाइंड एज द प्रेशर. 1 pascal is defined as the pressure exerted on the surface of area on a surface of area of 1 meter square by a force of 1 newton acting normally on it, यानी कि थ्रस्ट. क्लियर? एक्टिंग नॉर्मली ऑन इट. एक प्रेशर अपन और पढ़ते हैं, वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो अभी भी हम पे लग रहा है. हमारे ऊपर एयर का कॉलम है ना, हमारे अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, एयर है, तो वो एयर भी हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करती है. ठीक है, उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक और लिखना नीचे, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर एक तो होता है बार, BAR, इसका मतलब होता है 10^5 पास्कल. ये रिलेशन है, 1 bar is equals to 10^5 pascal. ठीक है, और एक यूनिट और होता है atm. atm का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉट ऑटोमेटिक. क्या? टेलर मशीन बोलते हैं ना. हाँ, तो 1 एटमॉस्फेरिक, atm stands for
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, और इसका भी रिलेशन लिखेंगे बाकियों के साथ क्या रिलेशन रहता है, 1 atm इज इक्वल्स टू 1.013 bar, 1 atm इज इक्वल्स टू 1.013 bar, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं प्रेशर के ऊपर ही, लिखना है क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ एज लेंथ, अ क्यूब ऑफ एज लेंथ, a cube of edge length 10 centimeter. Okay. Question to question. क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिखा हुआ ठीक है ना, सर यूनिट सब बार और एटीएम। A cube of edge length 10 centimeter is placed inside a liquid, is placed inside the liquid, placed inside a liquid. Full stop. The pressure at the center of the face is, the pressure at the center of the face is, the pressure at the center of the face is 15 Pascal. The pressure at the center of the face is 15 Pascal. First up, find the force exerted. By the liquid on this face. Force exerted by the liquid on this face. ठीक है, तो क्या है गिवन है लिखना पहले, आपको एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब कहां प्लेस्ड है, इट इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड, रुक जाएगा लिक्विड, इसके एरिया के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी ना, ये क्यूब का सरफेस होगा ठीक है, और इसके ऊपर लिक्विड होगा, और ये लिक्विड इसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, उस प्रेशर का वैल्यू आपको दिया कितना, 15 पास्कल ठीक है। अब फेस के ऊपर कर लेना एक्सर्ट, तो फोर्स कितना एक्सर्ट कर रही है लिक्विड, आपको ये निकालना है, तो फोर्स आपको निकालना है, और एरिया क्या हो जाएगा इसका, आपको क्या दिया हुआ है, एज लेंथ दिया है ना, कितना एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है ना, और क्यूब का एरिया कैसे निकालोगे, इसके स्पेस का एरिया, स्पेस स्पेस क्या है, क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर, क्यूब समझ रहे हो ना, रूबिक क्यूब देख लो, उससे किसी भी फेस को ले लो वो एक स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और वैसे भी क्यूब में तो सारे साइड बराबर होते हैं ना, 10 10 10 10, तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। पर ध्यान रखना कि चीजें सेंटीमीटर में दी है, और पास्कल यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको सेंटीमीटर को पहले आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात, तो सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा 0.1 मीटर होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बी 0.1 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 0.01 मीटर स्क्वायर होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन। अब आप लोग हो सकता है 10 को स्क्वायर करके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लेके बना देते हैं, आंसर गलत आता है, समझ रहे हैं, तो एरिया कितना हो गया ये, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया होगा, फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर कितना है 15, एरिया कितना हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर, तो फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स विल बी 0.15 न्यूटन, समझ रहे 0.15 न्यूटन। जीरो पॉइंट
15 न्यूटन का फोर्स लगता, मतलब वो लिक्विड इस क्यूब के ऊपर 0.15 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, जितने एरिया में लगा रही है उसके हिसाब से प्रेशर कितना हो रहा है 15 पास्कल। क्लियर? अगर आप क्यूब को साइड चेंज भी कर दो कि ये वाला फेस नहीं, ये वाला फेस लगाना है लिक्विड के ऊपर, तब भी सेम प्रेशर आएगा, क्योंकि सब एरिया तो सेम है ना, क्यूब का एरिया हर तरफ सेम रहता है, साइड सेम, एज सेम। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता, मान लो ब्रिक है, ब्रिक समझो ना, ईंट में तीनों एरिया अलग अलग होते हैं, मतलब ब्रिक ना बॉक्स एक है, बॉक्स ये समझ लो ब्रिक, ठीक है, ऐसे रखते ना ब्रिक को, क्योंकि इस पार्ट का एरिया सबसे ज्यादा होता है ब्रिक का। ब्रिक को ऐसे क्यों नहीं रखते, क्योंकि ये वाला एरिया कम है, ऐसे क्यों नहीं रखते, ये भी एरिया कम है, इससे सिर्फ इतना एरिया कवर करके रखा है ना। आप इसको रख के देखो ना किसी प्लेन सरफेस में, और आप ड्रॉ कर लो उसमें आउटलाइन, ड्रॉ कर लो उसकी, आप ऐसे रख के देखो ड्रॉ करके कितना एरिया आ रहा है, अब ऐसे रख के देखो कितना एरिया आ रहा है, और ऐसे रख के देखो कितना एरिया आ रहा है, ऑब्वियसली ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। क्यूबॉइड में तीनों साइड अलग अलग होते हैं ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लेंथ, ब्रेथ, पर क्यूब में ये तीनों सेम होता है, तो क्यूबॉइड के अलग अलग फेस के कारण प्रेशर अलग अलग होगा, मानते बात को, भले इसका इस ब्रिक का वेट हमेशा सेम है, ऐसा रखोगे तब भी फोर्स उतना ही लगने वाला है, ऐसा रखोगे तब भी फोर्स उतना ही लगने वाला है, और ऐसा रखोगे तब भी फोर्स सेम लगेगा, बट फर्क क्या है, एरिया, तो प्रेशर भी अलग हो जाएगा, समझ रहे, तभी ब्रिक को हमेशा ऐसा जमाया जाता है ताकि एरिया ज्यादा रहे तो प्रेशर कम रहेगा, एक ब्रिक का प्रेशर दूसरे ब्रिक के ऊपर कम रहेगा, आप ऐसे जमाना चालू करोगे ब्रिक को ना, तो एक ब्रिक का प्रेशर दूसरे ब्रिक के ऊपर ज्यादा रहेगा, समझ रहे हैं, मैं क्लियर, ठीक है। तो ब्रिक इज अ फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, ब्रिक क्या है, एक क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के तीनों सरफेस, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, और एक सरफेस ये, अलग अलग होते हैं, तो उनमें प्रेशर भी अलग अलग होगा, पर क्यूब में ऐसा नहीं, क्यूब का हर फेस एक जैसा है, तो सबका एरिया एक जैसा है, तो उसमें प्रेशर भी एक जैसा ही एग्जर्ट होगा, अगर फोर्स सेम लगा रहे हो, मैं क्लियर, बना सकते हो, उसमें शेप है ना, वो तो साइज बना सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन और लिखो, अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, 16, अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन वन सरफेस ऑफ अ क्यूब, ऑफ वन सरफेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 8 सेंटीमीटर, वन सरफेस ऑफ अ क्यूब जिसका एज है 8 सेंटीमीटर, ऑफ एज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द प्रेशर ऑन दिस सर्फेस, फाइंड द प्रेशर ऑन दिस सर्फेस, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बस। प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, क्यूब बोला अगेन, एरिया वैसे निकालेंगे साइड का स्क्वायर और फोर्स से डिवाइड कर देंगे, आपको प्रेशर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन और पिछले क्वेश्चन में फर्क क्या है,
पिछले में प्रेशर दिया था, फोर्स निकालना था, इसमें फोर्स दिया है, प्रेशर निकाला। एरिया के लिए पीछे भी आपको एज का लेंथ दिया था, यहां पे भी आपको एरिया के लिए एज का लेंथ दिया, निकाल लो एरिया। पीछे भी जाना पड़ रहा है एरिया निकालने के लिए, कैसे करेगा इसको मीटर में कन्वर्ट। हाँ बोलना, किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से 100, यानी कि 8/100 मीटर, यानी कि 0.08 मीटर। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, 0.08 का स्क्वायर, यानी कि 0.0064 होगा एरिया। ग्रुप का एरिया कैसे निकाल रहे, पाई आर स्क्वायर कर रहे हो क्या? तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया 60 न्यूटन अपॉन 0.0064 मीटर स्क्वायर, या फिर इन पॉइंट को डालने के लिए 16 के साथ आप 4 जीरोस ऊपर ऐड कर दो तो नीचे 64 हो जाएगा, होगा ऐसा। कैंसिल कर सकते हैं इसको, ये 4 टाइम्स जाएगा और ये 1 टाइम और बाकी 4 जीरो तो रहेंगे। फिर अगेन ये आपका 1 टाइम, ये 2500 पास्कल आपका आंसर, 2500 पास्कल। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए यहां तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम चालू करते हैं बॉयंसी। ठीक है, अभी तक अपन प्रेशर इन सॉलिड बात कर रहे थे ना, अब बात करेंगे प्रेशर इन लिक्विड। तो वहां पर एक टर्म पढ़ेंगे बॉयंट फोर्स या बॉयंसी। ठीक है,